एग्जांपल देखो आप, ये तो है आपका ट्राई बैलेंस और ये है मुझे पॉइंट दे रखे, उनमें से कैसे हल करते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है मजदूरी 5 मार्च की बकाया, इसका मतलब क्या हुआ आपके जो मजदूरी दे रखी है वो कितने महीने की है? 7 महीने की है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 महीने की बकाया है, ये जो मजदूरी है वो कितने महीने की है आपके? 7 महीने की। अब देखो 7,000 रुपए है वो कितने महीने के है? 7 महीने के। तो बताओ कि 12 महीने कितने होने चाहिए? 12 महीने का आएगी, 5 गुणा करोगे तो 5 महीने का जाएगी। वैसे यार 5 तो कितना आता बताओ? ये आता है 1,000 रुपए, मतलब आपके 1 महीने का 1,000 रुपए होती है विजय। तो विजय का आता ट्रेडिंग में आता है, पेन में आता है ट्रेडिंग में, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग में विजय। विजय 1,000 प्रतिमा है, 1 महीने कितना होना चाहिए आपके? 1,000 12 कहता हूँ कितना होना चाहिए? यहाँ आपके 12,000 होना चाहिए, बस ये मतलब है। अब यहाँ कितना दे रखा है आपके? 7 दे रखा है। अब आपको ऐड करने पर आएगा, लेस करने पर आएगा, ऐड करने पर, ऐड करते तब क्या प्रयोग करते हैं? आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया है 5,000। तो 5,000 क्या हो गए आपके? बकाया। और नई चीज कितनी मालिक नहीं आपको? 2 मालिक। अंदर दी गई चीज को एक बार प्रयोग करेंगे और जो हमने नई चीज लिखी है यहाँ से 2 बार प्रयोग करेंगे। एक तो हमने 5,000 यहाँ लिखी है, 1,500 यहाँ लिखेंगे, जब खर्चा बढ़ गया नुकसान हो गया आपके, यहाँ आ जाएगा आपके आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा आपके? 5,000। इसकी जनरल एंट्री करने क्या होगा? खर्चा बढ़ गया, खर्चा क्या होता है? डीआर, खर्चे को और डीआर एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो जाएगा? 5,000। ये वाले पैसे आपके यहाँ आ जाएंगे और ये वाले आपके लाइबिलिटी सीआर है तो यहाँ आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से डीआर लिखा हुआ है, वो तो टू लिखा हुआ है, यहाँ से एंट्री और ट्रांसफर होती है आगे, यहाँ जाती है कहाँ से? ट्रेडिंग टू विजेज, ताकि विजेज ऑटोमेटिक आपके बढ़ जाता है, एक एंट्री और होती है, लेकिन आपको ये एंट्री लिखनी। अब है आपके अगला पॉइंट सैलरी का, सैलरी कितने दे रखा है? 16,000। ये कह रहा है कि 1,000 वेतन क्या है? 1,000 वेतन आपके अग्रिम है, एडवांस है, माइनस कर दो। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे हम? सैलरी, मतलब सैलरी है कितने की? 16,000 की है, लेस करेंगे, ज्यादा लिख दिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, क्या होता है? प्रयोग करते हैं प्रीपेड करते हैं, कितना है? 1,000, क्योंकि 1,000 अग्रिम है, एडवांस है, एडवांस बोलो प्रीपेड बोलो एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा पिछले बजे आपके? 15,000, क्योंकि हमारी 15,000 इनकम है, किसी ने 1,000 एडवांस दे दिया, अग्रिम को बोलते हैं इंग्लिश में एडवांस। खर्चा कमी आ गई तो फायदा नुकसान हुआ? खर्चे में कमी आई तो फायदा, इधर क्या आएगा? एसेट साइड में, यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी, कितना हो जाएगा आपके? 1,000। जो नई चीज की वो नई चीज कितनी बार आएगी? 2 बार जनरेट करेंगे। तो देखो आपके खर्चा क्या होता है? डीआर होता है, लेकिन खर्चे में कमी आई तो क्या करते हो? डीआर को सीआर का, यह आ जाएगा टू सैलरी, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके? प्रीपेड सैलरी, कितना आ जाएगा आपके? ये है आपके 1,000, यहाँ भी आ जाएगा आपके 1,000। ये तो पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या है? इसमें रेंट दे रखा है 1,500 रुपए, इनकम है, इधर लिखे हुए खर्चे, इधर लिखे हुए क्या है आपके? इनकम, रेंट इसने कहा है 100 रुपए प्रति महीने, तो लिखो रेंट इधर आएगा आपके पीएनएल में, यहाँ लिखेंगे रेंट। रेंट कितना दे रखा है आपके? 1,500 रुपए, तो 1,500 रुपए है, तो इसने क्या कहा है आपके? इसने कहा है कि 100 रुपए प्रति महीने है, इसका मतलब क्या हुआ? 1,200 होना चाहिए, यहाँ कितना हो गया? 1,500 हो गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 1,200 ही होना चाहिए, क्योंकि रेंट 100 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 1,200 ज्यादा हो गए, क्या करेंगे हम? आपन माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे 300 रुपए, तो यहाँ लेस कर देंगे, क्या कर देंगे हम? अनअर्न, या रिसीव इन एडवांस कह सकते हो, रेंट कह सकते हो, या इनकम कह सकते हो, कितना है? 300 रुपए माइनस कर दो, ताकि आपको 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 1,200 रुपए हो जाए। 300 माइनस किया, इनकम है वो, इनकम में क्या गई? कमी आ गई, तो फायदा नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, इधर आएगा आपके रिसीव्ड इन एडवांस, या अनअर्न भी कह सकते हो। एडवांस क्या है? रेंट है, कितना हो जाएगा आपके? 300। इसकी एंट्री करनी थी, क्या एंट्री होगी? इनकम क्या होती है? सीआर होती है, उसको अगर घटाना है क्या करना पड़ेगा? सीआर को डीआर करना पड़ेगा, तो ये क्या रेंट है, तो आ जाएगा रेंट अकाउंट डीआर, तो आ जाएगा आपके अनअर्न रेंट।
कितना जाएगा यार? 300 रुपए, 300 रुपए यहाँ दे लो। आउटस्टैंडिंग सीआर हुआ, 100 सीआर हुआ, दोनों क्या हो गया आपके लायबिलिटी हो गए। अब ये वाला ऐसा लिख दूंगा था वन, क्या नाम है पूरा ऐसा लिख दूंगा, पॉइंट चेंज हो, कमीशन का क्या नाम है, 20% क्या है आपके, या 25 लिख दो बकाया है, बकाया लिख दो या उपहार देते लिख सकते हो। यहाँ से लिख दो आप 250 रुपए क्या है, 250 रुपए बकाया है, 1000 रुपए आ जाए आप 250 रुपए बकाया है, बकाया कह दो या उपहार कह दो, उपहार भी तो बकाया ही की बात है, उपहार भी कह सकते हो। तो ये सीआर है, इधर लिखो क्या लिखेंगे भाई, भाई क्या नाम है, कमीशन, यह आ जाएगा आपके कमीशन कितना रुपए दे रखा है, 1500। उसमें क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, हमने कमा तो लिया लेकिन अभी भी 250 रुपए क्या है, बकाया है, क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, हाँ 1000 ही है लॉस, 1000 कितना बकाया है, 250 रुपए बकाया है, क्या करेंगे ऐड करेंगे, किस नाम से ऐड करेंगे, अप्रूव्ड नाम से, अप्रूव्ड कमीशन कितना बकाया है, 250 रुपए, ये हो जाएगा 1250। इनकम है, इनकम बढ़ गई तो फायदा हुआ, फायदा हुआ तो कहा आएगा ऐसे साइड में, यहाँ लिखेंगे हम अप्रूव्ड कमीशन कितना हो जाएगा, 250 रुपए। और धन एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, इनकम है सीआर होती है, बढ़ाने के लिए और सीआर करेंगे, तो यहाँ सीआर करेंगे किसको, कमीशन को, और ऊपर क्या आ जाएगा अप्रूव्ड कमीशन कितना, 250 रुपए, 250 रुपए। देखो प्रीपेड डीआर हुआ, ये भी डीआर हुआ, तो डीआर कहाँ गया आपके एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग वाला सीआर हुआ, देखा गया आपके लायबिलिटी साइड में आ गया, ऐसे करेंगे।